close till I get up. तो हाय गाइस, कैसे हैं आप? से उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे. सो गाइस, तो अभी आज हम लोग जाने वाले हैं भंबारा का जो मेला लगता है. हम तो वहाँ बहुत छोटे में गए हुए थे, लेकिन बहुत दिन के बाद आज हम जा रहे हैं. देखते हैं वहाँ कैसा मेला और कैसा लग रहा है वहाँ पे. तो आप सब बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच करिए. और गाइस, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा. फिर हम चलते हैं मेले में. तो फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं भंबारा मेले में और देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में सिराज है और प्रिंस है, आतिफ है, लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा. और देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जीजा के भाई हैं, वो भी मेरे साथ ही हैं. तो चलिए गाइस, हम लोग एंट्री करते हैं इस साइड से मेले में और आज हम लोग इंजॉय करेंगे पूरे फ्रेंड्स के साथ. और आप सब भी इंजॉय करिए और वीडियो को फुल वॉच करिए गाइस. तो चलिए हम मेले में. तो गाइस, भंबारा आइएगा तो वहाँ पे एक दरगाह मिलेगा जो कि वहीं पे मेला लगा है, जो हम लोग सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आए हुए हैं. और देख सकते हैं झूला वूला काफ़ी तरह तरह के आया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है. और हम लोग सारे फ्रेंड एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे. टिकट यहाँ बन रहा है 30 रुपए का. क्या हुआ? अरे क्या हुआ? फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं झूले के पास और मेरे साथ देख सकते हैं प्रिंस है और आतिफ है, दोनों मतलब झूला खेलने जा रहे हैं. और 50 रुपये इसका प्राइस है टिकट. और गाइस, साथ में जाने के लिए बहुत जिद किया है प्रिंस, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि बहुत मतलब सर चकरा जाता है इस झूले पे. तो गाइस, इस मेले में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है और ये मेला मतलब कोई टाउन और क्षेत्र का मतलब नहीं है, एक गांव में है, गांव में लगता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं कितना सारा मतलब भीड़ है. ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई टाउन है, ऐसा मतलब जिला की तरह लग रहा है. बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे. और फाइनली गाइस, हम लोग को मेला घूमते घूमते यहाँ पे दिखा बड़का छोला भटूरा और इसको टेस्ट करते हैं आइए. और गाइस, इस मेले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और भीड़ के वजह से काफ़ी लोग का सामान मोबाइल वोबाइल गुम हो चुका है. तो आप लोग आइए इस जगह, तो सावधान हो जाइए. तो फाइनली गाइस, देख सकते हैं अब हम लोग खा रहे हैं हलवा पूड़ी. हम तो फर्स्ट बार खा रहे हैं, ऐसे मतलब पहले नहीं खाए हैं, लेकिन टेस्ट भी ठीक ठाक है, अच्छा है.
तो गाइस इस मेला का एक बात बोले तो बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन नहीं था और ना ही कार्यकर्ता के लोग थे, सारा लोग एक ही में इसमें देखे धक्का मुक्की करके जा रहे हैं। तो गाइस इस मेले का मेन उद्देश्य क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप सभी को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेला क्यों लगता है। और गाइस जहाँ तक मुझे पता है कि ये मजार शरीफ है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे और चादर चढ़ाते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग मेला से बाहर आ गए हैं। मेले में काफी ज्यादा भीड़ था और देख सकते हैं ये सब खिलौना बच्चों के लिए ले चुके हैं और फ्रूट भी यहाँ पे। और बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे यार मुश्ताक भाई एक दिन पहले गए कल डेट में, जो आज रास्ते तो आज मिला जाता है। देखिए इनका फोटो देख रहे हैं, अभी याद कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं लाइट जरा होगा, फ्लैश तो नहीं दिख रहा होगा। सही बात है। और फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं मेले से बाहर, अब वक्त हो चुका है घर जाने के लिए, वैसे भी टाइम बहुत हो चुका है। और मेरे साथ यहाँ प्रिंस, आतिफ और सिराज, अब हम सब मिलकर अब निकलेंगे घर के लिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं किसी दूसरे कॉन्टेंट के साथ, तब तक इन्जॉय करिए।